अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं माशाल्लाह कल से बेहतर हूँ। कल मेरी तो बहुत ही एनर्जी लो हुई थी और आई डोंट नो, मेरा ज़्यादा बोलने से लोग बोर हो जाता है या ना बोलने से बोर होता है ये आप लोग बताएं। आपने बताना कि अब कोई कमेंट आके करेगा आपके बोलने से ज़्यादा बोर होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब मैं आपको बता रही होती हूँ व्लॉग के अंदर ये कर रही हूँ, तो भाई तब तो बोलो था आप लोगों ने व्लॉग को क्या बना दिया है। एस्मार्ट चैनल है ये मेरा, तो प्लीज़ व्लॉग को व्लॉग की तरह लिया करें, व्लॉग को एस्मार्ट चैनल मत बनाए, ठीक है। आप लोगों ने क्या व्लॉग चैनल की बैंड बजाई हुई है। खैर, ये ग्रिटी सीमेंट की कल मैं शेप्स बना के गई थी। अभी मेरी कमर में दर्द हो रही थी तो मैं मेडिसिन खा के आई हूँ। ऊपर मैंने कहा मैं जाती हूँ थोड़ा सा वॉक करती रहूँगी, काम करती रहूँगी, था साथ मेरी पेन भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं मेडिसिन खा कर आई हूँ, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने काम को हम अपने इम्पोर्टेंस देते हैं हर हाल में। खैर, अभी मेरी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा उधम मचा हुआ है बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि बारिश का फिर सीन है और मैंने शीटें बिल्कुल नहीं उठानी। भाई नो, मुझे पता है मैं किस तरह से देती हूँ आके, अकेली मैं शीट्स देती हूँ इतनी बड़ी बड़ी, तो मेरी तो भाई सीरियसली मेरे हाथों की और कमर की बैंड बज जाती है। तो मैंने अब खिलाड़ा मंजूर है, लेकिन ये जो बारिश का बता रही ना, दो दिन बाद फिर से वो चीज़ में मुझे रात को भागने की वो नहीं खा पकड़नी। खैर, अब मैं क्या करूँगी, आज मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ एक, वहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी स्क्रैपिंग करके वीडियो क्रमलिंग करते हैं। कल मैं ब्लैक सैंड ये प्योर डर्ट की क्रमलिंग करके गई थी, इसी थोड़ी क्रमलिंग करेंगे, थोड़ी थोड़ी करते जाते हैं साथ साथ। ये रेड डर्ट के चंक्स बनाए थे और फोसे बनाए थे, एंड यू कैन एज यू कैन सी ये मुल्तानी मिट्टी के मेरे चंक्स निकाले थे। और बस कुछ इसी तरह से सीन है। चले ब्लैक के मोबाइल का ट्राईपॉड पे लगाते हैं और क्रमलिंग करते हैं। मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मेरा तो ट्राईपॉड ही तोड़ दिया हुआ इन लोगों ने। व्हाट द हेक, मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया इन्होंने। देख दी किसने, ट्राईपॉड की मुंडी टूट गई थी, इसको मैंने ठीक किया है। फातिमा मुंडी स्मार्ट जो है, फातिमा कह रही थी कि मेरा ट्राईपॉड ले लो, पर मैंने कहा नहीं, मुझे इसी को ठीक करना है। हम अपने ट्राईपॉड से ही वीडियो बनाएंगे, उसका बेचारी का भी मैं ख़राब करूँ। और इस चक्कर में मुझे छुरी भी लगी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, हल्का सा स्किन उतर गई है। खैर, मोबाइल ट्राईपॉड लगाते हैं। मुझे एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट आई थी अपना स्क्रैपिंग की और क्रम्बलिंग की, स्क्रैपिंग करके क्रम्बल करने वाली टेक्सचर की, तो वो रिक्वेस्ट मैं आपकी अभी तो नहीं पूरी कर सकती, लेकिन करूँगी। क्योंकि फ़िलहाल वो टेक्सचर जो होते ना, उसमें पेस्ट बनाने वाला टेक्सचर हो तो वो मैं फैला दूँ ज़मीन पर। और आजकल जो सीन है ना, पेस्ट फैलाने वाली बिल्कुल हम हरकत नहीं कर सकते, बारिश हो जाएगी हम कहीं। आई डोंट नो, मैं नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा। Check it out. अच्छी जगह बैठ जाए, थोड़ा सा हाथ पकड़ लेते हैं।
मैं ना ऐसे गंदे तरीके से क्रमलिंग करने के बजाय ना पीछे बैठ के इसकी ट्राई करके क्रमलिंग करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से क्रमलिंग हम करते हैं तो वो फिर साउंड प्रॉपर नहीं आ पाता अंदर। हॉर्न भी नहीं आने रहा है, सॉफ्ट टेक्सचर इतना। ये मेरी मड सैंड है, किस किस को मेरा ये टेक्सचर पसंद है। अच्छा मैंने ना वहाँ से शेप्स उठा के रख दी इधर, मे बी मैं इनको उठा के इधर रख दूँ। चले अब थोड़ी और ट्रिमिंग करते हैं, इसको मैं उठा दूँगा। अच्छा हमारी एक सब्सक्राइबर है आइस क्रेवर एस एम आर, ठीक है, उनकी ना तबीयत ही ठीक है तो आप उनके लिए दुआ करना। अल्लाह पाक उनको, मतलब मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतियाब कर दें, उनकी जो भी तकलीफ जो भी कमी और कमज़ोरी है उनको अल्लाह पाक बिल्कुल मुकम्मल कर दे, सेहतियाब कर दे उन्हें, आमीन सुम आमीन। आप सब भी आमीन कहें मेरे साथ, क्योंकि मैं बोल रही होती ना आप सबका आमीन कहना ही बहुत बड़ी बात है। तो जब भी मैं कोई दुआ करती हूँ किसी के भी लिए, आप प्लीज़ आमीन कह दिया करें। लिख भी नहीं ना रहे, अगर लिख भी नहीं सकते हो, कमेंट नहीं कर सकते हो, तो काइंडली आप जब मेरे व्लॉग को सुन रहे होते हो ना, व्लॉग को वॉच कर रहे होते हो, मुंह में बोल दिया करें, दिल में बोल दिया करें साथ साथ, क्योंकि हम किसी के लिए दुआ में शरीक, किसी के लिए दुआ में शरीक हो जाए ना, यही अल्लाह पाक हमें इस चीज़ का अजर दे देते हैं। तो काइंडली जब भी मैं दुआ करती हूँ ना किसी के लिए, काइंडली सबके लिए आमीन कहा करें, ठीक है। अल्लाह पाक आपको उस दुआ के आमीन कहने के सदके अल्लाह आपकी भी तमाम परेशानियाँ और जो भी तकलीफ हैं, जो भी मसाइल हैं, दूर करें, आमीन सुम आमीन। और एक सब्सक्राइबर और है, हैप्पी विलेज व्लॉग, वो बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था पिछले दिनों, तो मैंने उनका कमेंट जब पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की थी और उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि आप इस तरह से रहा करें, इस तरह से अपने आप को व्लॉग में रखा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी विलेज, मैं अपने आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपका कमेंट पढ़ा था और थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं जितनी पॉजिटिव हूँ ना उतनी, कहते ना बंदा जितनी मैं पॉजिटिव हूँ उतनी मैं नेचुरल हूँ, मतलब कि जिस तरह मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, अगर मैं चाहूँ मैं इसमें से कटिंग कर दूँ, जो कुछ भी बोल रही होती हूँ, कुछ भी जिस तरह मेरा बात करने का तरीका है, मैं काट के बिल्कुल सीधी सादी बनूं कि मैं भाई इस तरह की हूँ, मैं इतनी
हूँ नहीं, जिस तरह के एक बंदा नेचुरल होता है ना उस तरह नहीं पेश करता है, अपने आप को उस तरह अपोजिट रखता है कि जैसे कि बंदा कहे कि हाँ इसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं उस तरह से ही व्लॉग अपलोड कर देती हूँ जिस तरह मैं बात करती हूँ घर पे, जिस तरह इसमें हूँ। अब उस चीज़ को कोई नेगेटिव ले रहा है पॉजिटिव ले रहा है ये आप सबकी सोच पे डिपेंड करता है। तो मुझसे इस वजह से ना मैं फिर व्लॉग जो होता है ना एज इट इज़ ही अपलोड कर देती हूँ। कई दफ़ा मैं लाउड बोल रही होती हूँ, कई दफ़ा मैं डांट रही होती हूँ, कई दफ़ा मैं कुछ भी बोल रही होती हूँ, तो मैं जो होती हूँ ना वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। व्लॉग के अंदर ये नहीं होता कि आप अपने आप को उस तरह से पेश करें जो आप हो नहीं हो, जो आप नेचुरल चीज़ जो आपके अंदर है, जो आपका टॉकिंग वे है, आप उसी तरीके से ही व्लॉग बनाते हो। व्लॉग में रियलिटी होती है, ना कि आप उसको आर्टिफिशियली बनाकर अपलोड करो। तो आई होप आप मेरी इस बात से लेट करोगे, मैंने इसलिए क्रम्बलिंग से पहले बोल दिया क्योंकि उसके बाद मैंने नहीं कुछ भी बोलना, जो काम होगा वो शेयर करूँगी, अगर थोड़ी बहुत बात होगी तो कर लूँगी। चलो ये वाइटर टेस्ट हम क्रम्बलिंग करते हैं। स्पेशली जो डर्ट्स लवर हैं उनके लिए मैं डर्ट्स की क्रम्बलिंग कर देती हूँ हर दफ़ा व्लॉग में, ताकि आप लोग हैप्पी रहो। गए अच्छा जी, मैं करने लगी हूँ प्योर डर्ट की ड्राई क्रम्बलिंग, प्योर डर्ट यू सीमेंट।
चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग थोड़ी बहुत क्रमलिंग के साथ। मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला मेरा ब्लैक वीडियो नाल ब्लैक सैंड, ठीक है। इधर डैम भी था ज़रा सा, क्योंकि मैंने कल ही चलने कल थोड़ा ड्राई भी हो गए थे। सीमेंट की ना ये चीज़ है अंदर होती है क्वालिटी, वो जल्दी ड्राई हो जाता है। बनस्पत बाकी टेक्सचर्स बहुत ही जल्दी नहीं ड्राई होते। चलो ठीक है, तुम बहुत सारे ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, जो तो प्यारों को भी। नहीं कल इंशाल्लाह, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।